हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट और हट के वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो में हम ऐसा ओब्लिक एक बनाने वाले हैं, एक डिफरेंट सी चीज बनाने वाले हैं, बहुत ही कमाल की चीज है। हम इन पोटैटोज की मदद से उबलक बनाने वाले हैं, एक डिफरेंट सा नाम है उबलक, तो वो ट्राई करने वाले हैं गाइज। एक अलग सी चीज है, जो जो प्रोसेस होगा वो सब कुछ आपको मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखो बहुत सारे पोटैटोज ले लिए हैं। अगला जो स्टेप हमारे पास, मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। हमने अपने इन आदमियों को चॉप कर लेना है ब्रीक ब्रीक इस अपने चॉपर की मदद से। बहुत सारे टाइम के बाद अभी तो तीन ही पोटैटोज हुए हैं। तीन पोटैटोज मैंने क्रश किए हैं और देखो इनका जो मिक्सचर बना है, ये जो क्रश हुए हैं कितने ज़्यादा वाइज हो गए हैं। तो अभी जस्ट तीन किए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा अभी पड़े हैं। ये देखो बाउल भरा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपने बस इस टाइम के लिए यार एक लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के साथ जुड़े रहना, कहीं से स्किप नहीं करना। फिर इस आपको पूरी वीडियो का पता नहीं चलना कि कैसे क्या क्या हुआ। और गाइज यही चीज़ हमने चाहिए थी हमें, और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमने आलू क्रश किए हैं भाई। इसी का उबलक बनने वाला, बस एक आध काम और रह गया। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने जो आलू क्रश किए हैं ये सारे डाल लेने हैं। अब इसके अंदर गाइज हमने पानी डाल लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना है, अपने उसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, ये चला गया गरम पानी इसके अंदर। अब इसको गाइस अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। गाइस अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए इसके इसका पानी का कलर गाइस चेक करो भाई, पानी बिल्कुल मैंने नॉर्मल डाला था और ये देखो कलर बिल्कुल रेड रेड सा हो गया पानी का कलर। ये देखिए यही चीज हमें चाहिए। बस कुछ ही देर के बाद हमारा जो उबलक है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे सारा अपनी छन्नी की मदद से, जो हमने डाला पानी इसके अंदर, और वो पानी ही हमारी असल चीज़, असल मैजिक वो ही है। इसके बाद होगा मैजिक गाइस। मुझे लगता है भर गया गाइस। अब दोबारा इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा जो जो क्रश हमने आलू किए थोड़े से रह गए थे ना, उसको भी अच्छे से पानी के अंदर ना मिक्स कर लेते हैं। इसका भी जो पानी है ना वो अपनी छन्नी की मदद से हम छान लेंगे और पानी को निकाल लेंगे अलहदा। ये है फाइनल हमारी चीज, जो गाइस काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगा वो इसी चीज़ के लिए लगा। ये जो पानी हमने निकाला है ना, इसी के अंदर से गाइस उबलक हमारा बनने वाला है। इसको आप 20 मिनट के लिए हम रख देते हैं, फिर बाद में आपको मिलते हैं। 20 से 30 मिनट तकरीबन हमने इसको रखा है। तकरीबन 20 मिनट हो गया ना नूर? हाँ, तकरीबन 20 मिनट हमने इसको रखा है। अब इसके अंदर गाइस जो मेन चीज़ है वो आपको दिखानी है, जो उबलक एक डिफरेंट सी चीज होगी, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे भाई, काफी मजा आने वाला है। चलिए इसके पानी को उतार लेते हैं और जो उबलक है ना वो नीचे बैठी होगी। गाइस वो देखें, दिखाई दे रही है नूर भाई? यही तो हमारा गाइस उबलक है, और देखना इसका काम चेक करना बस। गाइस ये है एक लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही मैं इसके अंदर प्रेशर लगाऊ, प्रेशर के साथ अपनी उंगलियों को पुश करूंगा, देखना ये नीचे नहीं मेरी उंगलियां जाएंगी। इसकी दिखाता हूँ, ये देखो बाद में गाइस चेक कर लो, मतलब कि काफी फोर्स लगा रहा हूं। ये देखो ये ऊपर ऊपर ही है, और अगर गाइस आराम से मैं लगाऊं तो ये देखना बहुत ही आराम से अंदर चली गई है।
ये देखना। ऑलराइट गाइस, ये फिर लिक्विड फॉर्म में चली जाती है एक स्लाइम की तरह। ये देखो, जितने आराम से मैं इसको करूंगा ना ऐसे पुश नीचे की तरफ, ये उतनी आराम से चली जाएंगी मेरी फिंगर नीचे। ये देखो, ये अंदर चलेगी। और अगर इसके ऊपर फोर्स में लगाऊं, जितनी ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस है ना कमाल की चीज। ऑलराइट गाइस, ये देखो, मतलब कि काफी फोर्स लग रही है, काफी प्रेशर। जितना प्रेशर लगाओगे उतनी ये नीचे नहीं पुश होगी, और जैसे आराम से इसको ऐसे करेंगे फिंगर हमारी अंदर चली जाएगी। यार अलग ही यार चीज लग रही है। ये देखो, इसके साथ खेल भी सकती है। ये देखो, अगर दबाऊं इसको तो फिर ये ना हार्ड हो जाती है। ये देखो हार्ड हो गई है। ये देखो, जैसे इसको छोड़ूं मैं ढीला, ये फिर अपनी असल हालत में आ जाती है। गाइस ये थी आज की डिफरेंट सी वीडियो, और डिफरेंट चीज हमने बनाई और काफी अलग एक्सपीरियंस रहा। गाइस इसी तरह हम इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट वीडियोस भी डिफरेंट डिफरेंट लेकर आएंगे, और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, और अच्छे से चैलेंज आने वाले हैं। आप बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ, किसी नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।